बॉलीवुड अभिनेता प्रेम नाथ ने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों में अपने अभिनय से लाखों दिलों को जीता। उन्होंने कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। बादल, जॉनी मेरा नाम और जानी दुश्मन जैसी कई फिल्मों में काम करने वाले एक्टर प्रेम नाथ ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था और दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। वेल, आज हम आपको खूंखार विलेन की भूमिका निभा चुके अभिनेता प्रेम नाथ की खूबसूरत बेटी के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप जानेंगे कि वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। 60 से 70 के दशक के जाने माने एक्टर प्रेम नाथ का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में 21 नवंबर साल 1926 को हुआ था। पेशावर में रहने वाले प्रेम नाथ का परिवार भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर बस गया। कुछ समय जबलपुर में बिताने के बाद प्रेम नाथ ने मुंबई का रुख किया और यहां अभिनय की दुनिया में हाथ आजमाया। प्रेम नाथ मल्होत्रा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1948 में की थी। साल 1948 में उनकी दो फिल्में आग और अजीत आई थी। इन दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। प्रेम नाथ मल्होत्रा को हिंदी सिनेमा में बड़ी पहचान राज कपूर और नरगिस की फिल्म बरसात से मिली थी। फिल्मों में विलन का रोल करने से पहले प्रेमनाथ मल्होत्रा ने बतौर हीरो भी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दर्शकों ने हीरो के किरदार में कुछ खास पसंद नहीं किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में विलन के रोल की भूमिका निभाई और दर्शकों के दिलों को खूब जीता। राज कपूर और प्रेमनाथ अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिल्मों में काम करने के दौरान दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों दोस्त अक्सर एक साथ घूमने जाते थे। प्रेमनाथ और राज कपूर एक बार मध्य प्रदेश गए। वहां राज कपूर ने पहली बार प्रेमनाथ की बहन कृष्णा को देखा। बला की खूबसूरत कृष्णा पर राज कपूर अपना दिल हार बैठे। इस तरह लेजेंडरी एक्टर राज कपूर की शादी प्रेमनाथ की बहन कृष्णा से हो गई। प्रेमनाथ मल्होत्रा ने अजीत, जॉनी मेरा नाम, आन, तेरे मेरे सपने, अपना घर, बादल, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, बॉबी, रोटी कपड़ा और मकान, नागिन, जय बजरंग बली, जानी दुश्मन, विश्वनाथ, कर्ज और हम दोनों जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया था। फिल्मों के अलावा प्रेमनाथ ने हॉलीवुड फिल्मों और सीरियल में भी काम किया था। उन्होंने साल 1967 और 1969 के बीच अमेरिकन टीवी सीरीज माया में काम किया था। इतना ही नहीं, प्रेमनाथ ने अमेरिकन फिल्म कैनेर में भी काम किया था। ये फिल्म साल 1969 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेता जिम ब्राउन प्रमुख भूमिका में थे। उन्होंने बहुत सी फिल्मों का निर्देशन भी किया था। उन्होंने अपने होम प्रोडक्शन हाउस पीएन फिल्मों के लिए साल 1957 में आई फिल्म समंदर का भी निर्देशन किया, जो इसका एकमात्र प्रोडक्शन था। उनकी आखिरी फिल्म साल 1985 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म हम दोनों थी, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग करियर से संन्यास ले लिया। प्रेमनाथ के शानदार फिल्मी करियर में उन्हें 3 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इतना ही नहीं, संगीत और साहित्य पर भी उनकी कमाल की पकड़ थी। बात करें अभिनेता प्रेमनाथ के निजी जीवन के बारे में, तो आपको बता दें कि प्रेमनाथ काफी आकर्षक व्यक्ति थे। एक जमाने में उनका नाम मधुबाला के साथ काफी जोड़ा गया था। कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को तकरीबन 6 महीने तक डेट किया था। दोनों के अलग होने को लेकर कई तरह के किस्से चर्चित हैं। बहुत से लोग दोनों की धार्मिक पहचान को उनके बीच अलग होने का कारण बताते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेमनाथ के दोस्त और सदाबहार अभिनेता दिलीप कुमार भी मधुबाला को पसंद करते थे। जब ये बात प्रेमनाथ को पता चली, तभी उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। फिर उनकी जिंदगी में बिना राय आई। फिल्म औरत के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया और साल 1952 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद बीना रॉय अनारकली, ताजमहल और घूंघट जैसी फिल्मों से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। वहीं प्रेमनाथ का करियर असफलताओं से घिरने लगा। एक समय आया जब प्रेमनाथ को बीना रॉय के पति के नाम से जाना जाने लगा। फिर भी प्रेमनाथ ने हार नहीं मानी और अपनी कंपनी बनाई, जिसमें वो खुद हीरो बने, पत्नी को हीरोइन बनाया। लेकिन दर्शकों को उनकी जोड़ी पसंद नहीं आई। आध्यात्मिक शांति की तलाश में वो भौतिक दुनिया से दूर हिमालय भी गए, लेकिन 1970 में विजय आनंद की जॉनी मेरा नाम से
उन्हें नई पहचान मिली। फिर क्या था, एक के बाद एक सफल फिल्मों ने प्रेमनाथ को फिल्म जगत का व्यस्त और महंगा अभिनेता बना दिया। बात करें इनकी खूबसूरत बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि प्रेमनाथ की अपनी कोई बेटी नहीं, उनके सिर्फ दो बेटे हैं, जिसका नाम प्रेम किशन और कैलाश नाथ उर्फ मोंटी है। प्रेम किशन ने अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़ी ही हिट फिल्म दुल्हन वही, जो पियामन भाई में अभिनय किया, जिसने राजश्री बैनर और कुछ टेलीविजन धारावाहिकों को पुनर्जीवित किया और जल्द ही वो निर्माता बन गए। आगे चलकर ये मोहब्बत है और शो फिल्म का निर्माण किया था, साथ ही दिल मिल गए और एक दीवाना था जैसे कई टीवी शोज का निर्माण किया और आगे चलकर सिनेविस्टास लिमिटेड कंपनी के मालिक बन गए, जो 1993 में स्थापित एक फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी है। बात करें इनके दूसरे बेटे कैलाश नाथ की, तो कैलाश नाथ ने अपने पिता प्रेम नाथ की यादों को एक बार फिर ताजा करने के लिए उनके दोस्तों यह फिल्मी सफर और अपने पिता के नक्शे कदम पर बायोपिक में सहेजा है, जिसका नाम है अमर को प्रेम नाथ की खूंखार अदाकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हिंदी सिनेमा जगत से ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।